वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से प्रचार थम चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें 3 चरण के मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं, तो चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। इस पूरे लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर ताकत झोंकी है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व, पूरी तरह से इस लोकसभा चुनाव में सक्रिय नजर आया और जगह जगह पहुंचकर हमने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम नेताओं ने पहुंचकर जनसभाएं की हैं, रोड शो की हैं, रैलियां की हैं। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 8 बड़ी जनसभाओं और 2 रोड शो यहां पर करते हुए नजर आए थे। जनता के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था। वैसे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर 7 बड़ी जनसभाएं की हैं और 2 बड़ी बैठक करके इस लोकसभा चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। वैसे ही अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश में 5 बड़ी जनसभाएं की हैं और 1 रोड शो यहां पर अमित शाह ने भी किया है। वैसे ही राजनाथ सिंह हो और स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी यहां पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। भाजपा के पक्ष में यहां पर उन्होंने माहौल बनाया था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो मोहन यादव मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में पहुंचे थे, यहां पर सभी सीटों पर प्रचार करने का काम किया था। इसके अलावा 185 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मोहन यादव पहुंचे और ज़्यादातर प्रत्याशियों के जो नामांकन रैलियाँ थी उसमें भी डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे थे। यहाँ पर मोहन यादव ने 142 जनसभा और 55 रथ सभा की थी, यानी कुल 197 जनसभाएँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्य योजना है और जनता के पक्ष में भाजपा का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। वैसे ही वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, यहां पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए थे। वीडी शर्मा ने कुल 72 यहां पर जनसभाएं की थी, 18 रोड शो और 16 रथ सभाएं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में पूरे 4 चरण के लोकसभा चुनाव में की हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान वैसे विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बाकी की सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान ने भी करीब 21 लोकसभा क्षेत्रों में को कवर किया था, यहां पर 66 जनसभाएं और 16 रोड शो यहां पर शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए हैं। तो पूरा लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है, तो आपको हमने बताया कि किस तरह से भाजपा कि इन दिग्गज नेताओं ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो क्या कुछ और योजनाएं चलाई जाएंगी और मध्य प्रदेश में किस तरह से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता तक जो अपनी बात नेताओं ने पहुंचाई है तो जनता ने इनकी बातों को कितना स्वीकारा है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।